आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग जी विद श्रमित चौधरी। आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल के अलावा देश दुनिया की तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले पंजाब की सियासत की बात। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में कैप्टन की तरफ से आम आदमी पार्टी और अकाली दल के चुनावों की दौड़ से बाहर रहने के दावे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज हालात ऐसे बन गए हैं पंजाब में कि अकाली बीजेपी कॉम्बाइन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब कुछ दिनों के जो बात है उनकी पोजीशन कोई रही नहीं, आज वो गांव में भी नहीं जा सकते। आम आदमी की पोजीशन जो थी पार्लियामेंट टाइम पे वो बड़ा फ़र्क पड़ गया उनमें। आज उनकी उनकी डिवीज़न है पंजाब में, तीन डिवीज़न हो गई। हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में कैप्टन की तरफ से अकाली दल बीजेपी गठबंधन और आम आदमी पार्टी को 2017 की पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रेस से बाहर बताए जाने का विरोधी पार्टियों ने सख्त नोटिस लिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कैप्टन को गरूर के साथ भरा हुआ और सच से परे रहने वाला शख्स बताया, और दूसरी तरफ अकाली दल ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीधे हाथों लिया। मैं तो याद है कि हमेशा कदे टकरा, मैं तो उल्टा था कि तुसी अपने पिछली टर्म का तजर्बा कर लो। तुसी कहिंदे सो सी गिट्टे पन देंगे गोटे पन देंगे, मैं तो उन्हां दा सत्कार, हर एक दा सत्कार करदा। मैं वो लफ्ज़ भी नहीं वरतना चाहुंदा, पर उहदा नतीजा होया ये गल्लां ने सानू सरकार दा। कैप्टन साहब कोई थ्रेट नहीं है मेरे ख्याल में। कैप्टन साहब बाजवा जी से ज़्यादा आसान सवाल है, क्योंकि जनता ने उनकी कारगुजारी, उनके अहंकार, उनकी राजसी सोच, उनकी हठधर्मिता को नज़दीक से देखा है। जब कैप्टन प्रधान नहीं बना था तो तब को बोलता था कि हमारी लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, अकाली दल कहीं नहीं है। अब वो बोलता है कि आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। इस गलतफहमी में रहने दीजिए उनको। हमें मालूम है कि दोनों के जेहन में आम आदमी पार्टी है, बादल के जेहन में भी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जेहन में भी। पंजाब विधानसभा चुनाव अभी 2017 में होनी है, लेकिन सियासी नेताओं की तरफ से दिखाई जा रही सरगर्मियों ने प्रदेश का पारा अभी से चढ़ा दिया है। सियासी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सरकार की चाबी किसके हाथ में होगी इसका फैसला प्रदेश की आवाम करेगी। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। रैलियों को लेकर एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है, और अगर कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर ले तो उसको लेकर भी संतुष्टि नजर नहीं आती। कैप्टन की तरफ से बठिंडा रैली में मिली चुनौती को कबूल करने पर सियासत गरमाई है, और कैप्टन बतौर अध्यक्ष अपनी सरगर्मियां जहां बठिंडा से शुरू करने के मूड में, वहीं अकाली दल ने इसे लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में नया कप्तान मिल चुका है। नए नेतृत्व में कांग्रेस कुछ नया करने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले कैप्टन ने अकाली दल की चुनौती को स्वीकार करते हुए ये ऐलान किया था कि वो भी बठिंडा में एक बड़ी रैली करेंगे, जो अकाली दल की रैली से अधिक सफल होगी। इस दावे पर अकाली दल की तरफ से शब्दों का खेल खेला गया, और अब प्रत्यक्ष तौर पर सरबत खालसा के लिए फिर से कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि हमें रैली से कोई आपत्ति नहीं, पर रैली में देश तोड़ने की बात ना हो और रैली द्वारा लोगों को अच्छा रास्ता दिखाया जाए। पर पहला वर्ग का कठना करन कि उत्थे देश नूं तोड़न दी साजिशां रचन, कोई जिहड़ी है डेमोक्रेटिक तरीके दी काम करन, लोकां नूं कोई चंगा रस्ता दे। रैली कितनी सफल रहेगी ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह नए जोश से विरोधियों पर वार कर रहे हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास प्रोग्राम डायरेक्ट विद दिनेश में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ना तो वो अकाली दल को और ना ही आम आदमी पार्टी को किसी चुनौती के रूप में मानते हैं। आज हालात ऐसे बन गए हैं पंजाब में कि अकाली बीजेपी कॉम्बाइन तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब कुछ दिनों के जो बात है उनकी पोजीशन कोई रही नहीं, आज वो गांव में भी नहीं जा सकते। आम आदमी की पोजीशन जो थी पार्लियामेंट टाइम पे वो बड़ा फ़र्क पड़ गया उनमें। आज उनकी उनकी डिवीज़न है पंजाब में, तीन डिवीज़न हो गई। साथ ही कैप्टन ने सबको साथ लेकर चलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वो प्रताप बाजवा से मिलकर
उनके चुनाव लड़ने की योजना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। मैं कांग्रेस मैं बाजवा जी से बात करूंगा, उनको साथ लेंगे एंड आई एम श्योर ही विल कम। वो भी लड़ना चाहते हैं, वो कादियां सीट अपनी लड़ना चाहते हैं, सो इट इज ओनली अगर पूरी कांग्रेस यूनाइटेड होगी तभी वो लड़ सकते और जीत सकते हैं। ठंड के मौसम में पंजाब की सियासी गर्मी बढ़ चुकी है, रैलियां शुरू हो चुकी हैं, बयानबाजियों का दौर जारी है और कैप्टन की नई कप्तानी ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। श्री अनंतपुर साहब से बिमल कुमार के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। और कैप्टन की ताजपोशी पर प्रतिक्रिया मिलने का दौर अब भी जारी है और कैप्टन की टीम में शामिल लोग कैप्टन को लोगों का नेता बता रहे हैं तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनते ही जहां कांग्रेसी नेता इसे अपनी एकजुटता और पार्टी की मजबूती की तरफ बढ़ रहे कदम बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। कैप्टन की टीम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल किए गए लाल सिंह के मुताबिक लोगों का लंबे वक्त से चल रहा इंतजार खत्म हुआ। उधर विपक्ष के मुताबिक कैप्टन को अध्यक्ष की कुर्सी मिलने की वजह कुछ और ही है। बड़ी देर तो लोग इस इंतजार से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी की पंजाब की कमान सांभे। राहुल जी ने कैप्टन साहब को जो पिछले दिनें पंजाब के अंदर जो गर्म वातावरण पैदा हुआ, जो वातावरण पंजाब को टीस पर ले गया, वो वातावरण पैदा करने के पीछे जो कैप्टन की भूमिका है, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद देकर उसका इनाम दिया। इसके साथ ही लाल सिंह ने राज्य सरकार पर किसानों और बाकी वर्गों के हितों को अनदेखा करने का इल्जाम लगाया तो सत्ता पक्ष के मुताबिक उनसे ज्यादा लोगों के बारे में सोचने वाली सरकार आज तक नहीं आई। आज पंजाब किसान भी सड़कों से तुरिया फिरता है इस सरकार के खिलाफ डंडे चक्की और जिहड़े पंथ परस्त लोग है धर्म नूं मन्नण वाले है जिन्हां दे सिर ते हुण तक वोटां मंग के पंथ दे नां ते सरकार बनाई वह भी डंडे चक्की फिरदे है। बिल्कुल सिस्टम जिहड़ा रिवर्स हो गया पहलां नालों। पंजाब के हालात इतने माड़े हैं, पंजाब की इकोनमी जिहड़ी है इस सरकार ने बिल्कुल तबाह करती। कहिंदा मजदूर हां किसान हां मुलाजमां सब नूं जे फायदा दित्ता ते अकाली दल दी सरकार ने। राज्य के मौजूदा सियासी घटनाक्रम से सियासी पारा शिखर पर है, वार पलटवार का दौर जारी है और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में जुबानी तीर और ज्यादा तेज होंगे। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर और अमृतसर से राजन गोसाई के साथ गोविंद सैनी, जी मीडिया बठिंडा। और अब हरियाणा की खबरें। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो रहा है और दोपहर 2 बजे से शुरू होगा ये सत्र, विधानसभा का शीतकालीन सत्र। और सुबह 11 बजे स्पीकर कंवर पाल गुर्जर की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। सत्र से पहले सीएम ने मंत्रियों के साथ बैठक की और विपक्ष के हर सवाल का जवाब मिलेगा ये कहना है कैबिनेट मंत्री अनिल विज का। संगीता कालिया विवाद, धान खरीद घोटाला जैसे मुद्दे हावी रहेंगे। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा लेकिन विपक्ष की तरफ से ये मुद्दे अहम बताए गए हैं। संगीता कालिया विवाद जो बिल्कुल ताजा घटनाक्रम है हरियाणा के लिहाज से, और उसके अलावा धान खरीद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही मोर्चा संभाले हुए हैं तो विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है। सरकार भी कह रही है, अनिल विज कह रहे हैं कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब मिलेगा। आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर जहां विपक्ष ने अपनी तल्खी भरे तेवर में जाहिर कर दिया है कि वो सरकार को घेरने के लिए तैयार है तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के जवाब देने के लिए रणनीति बना ली है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र की अवधि भले ही कम हो लेकिन इसमें भी हंगामे के ही आसार हैं। विपक्ष अपने तेवर पहले ही जाहिर कर चुका है तो सरकार ने भी विपक्ष की धार को कुंद करने के लिए रणनीति बना ली है। सत्र से पहले रविवार शाम को सीएम खट्टर ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। ना मुद्दे हम तैयार हैं, हर बात का जवाब देंगे। लाइन सड़कों पे बोलना और बात है, विधानसभा में आके बोलना और बात है, क्योंकि सड़क पे जवाब देने वाला नहीं होता, विधानसभा में जवाब देने वाला होता है। पत्रकारों से बातचीत में विज ने संगीता कालिया विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। एक ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन हूं, मेरे सामने एक लिस्टेड शिकायत आती है और एसपी उसको धमकाती है कि तुम शिकायत लेके क्यों आए हो, तो आप मुझे बताइए एज ए मिनिस्टर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे जो शिकायत करता आया उसका राइट प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
इस मामले को लेकर हो रही बयानबाजी पर विज ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। ये अब कुछ लोग तो बैठे रहते हैं सारा दिन ताक में सड़क के ऊपर कि कुछ आए तो पकड़े, अब उनका क्या कर सकते हैं, वो तो डर लगता है कहीं किसी दिन अपने घर वालों को ही ना पकड़ ले। विज चाहे जो कहें, लेकिन विपक्ष सरकार को बिजली के बड़े बिल समेत संगीता कालिया के मुद्दे पर भी सरकार को घेरेगा। हालांकि सत्र से पहले बैठक कर रणनीति सरकार ने भी बना ली है। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। धान खरीद का मुद्दा, इसके अलावा संगीता कालिया विवाद और उसके अलावा बिजली के बढ़े दाम और बिजली के जो इरेगुलर बिल आते हैं, तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। ये सब जो है उठ सकता है विधानसभा में। विपक्ष ने तैयारी कर ली है, सरकार ने भी जवाब देने की तैयारी कर ली है। खैर, शराब तस्करी को लेकर विवाद के बाद अब ओपी नरवाल फतेहाबाद के नए एसपी होंगे। नरवाल ने शराब तस्करी को रोकना चुनौतीपूर्ण माना है, तो साथ ही वो इससे इत्तेफाक भी रखते हैं कि शराब की तस्करी में निचले स्तर के पुलिस कर्मचारी भी मिले हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और महिला आईपीएस अफसर के बीच शराब तस्करी के विवाद के बाद अब ओपी नरवाल फतेहाबाद के नए एसपी होंगे। नए एसपी नरवाल पंजाब की सीमा से सटे फतेहाबाद में शराब की तस्करी को रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं। हालांकि नरवाल के मुताबिक कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, उनका फोकस शराब की तस्करी पर नकेल कसना ही रहेगा। पुलिस अफसर बतौर कप्तान जो है मुझे ये चुनौती मिली है और ये मैं सह स्वीकार करता हूं और मेरा प्रयास होगा कि मेरा फोकस शराबबंदी, शराब को वहां से रोका जाए, जिस तरह एक एपिसोड हुआ है, और जो नशे के प्रति जो है मेरा विशेष अभियान रहेगा। एसपी नरवाल इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि शराब तस्करी में पुलिस महकमे के निचले स्तर के कर्मचारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। हालांकि नरवाल नहीं मानते कि शराब तस्करी में महकमे के आला अधिकारियों का हाथ हो सकता है। अफसरों के इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं मान सकता, हो सकता है कोई छोटे लेवल पे, बहुत निचले लेवल पे कोई इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन सीनियर अधिकारी जो है सजग रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई निचले अधिकारी या कर्मचारी को इस तरह का स्टेप उठा सकता। शराब की तस्करी बड़ा मुद्दा है जो अपनी जड़ें बेहद मजबूत कर चुका है, लेकिन सवाल यह है कि खाकी के आला अफसर इतने सजग और संजीदा हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी का धंधा चल कैसे रहा है, शराब की तस्करी कैसे फल फूल रही है। राष्ट्राख्या, जी मीडिया, रोहतक। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भले ही अपने सियासी जीवन में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हों और मौजूदा समय में भी वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनके दिल में एक दर्द अब भी है जो जुबां पर बार बार आ ही जाता है, और वो है हरियाणा का मुख्यमंत्री ना बन पाना। एक बार फिर चौधरी साहब ने अपनी इस पीड़ा को बयां किया। आखिरकार एक बार फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री ना बनने का दर्द जुबां पर आ ही गया। चौधरी साहब का ये दर्द काफी पुराना है, रह रहकर बीच बीच में चौधरी साहब अपने इस दर्द को बयां कर ही देते हैं। 40 साल कांग्रेस को देने वाले हरियाणा के इस जाट नेता ने प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा से सांसद और राज्यों के प्रभारी के तौर पर अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। लेकिन एक पीड़ा है जो अभी तक सताती रहती है, और वो है हरियाणा का मुख्यमंत्री न बन पाने की। अगर आप ये यहीं रुक जाएं, ये सोच के एक बस हो गया, तो फिर इनिशिएटिव खत्म हो जाता है। अब ये चाहेंगे कि मैं दोबारा जीतूं तो आगे फुल फ्लेज मिनिस्टर बनूं, तिबारा जीतूं तो फिर चीफ मिनिस्टर का भी दावा ठोकूं, तो हम तो भाई 6 बार जीत चुके हैं, कुछ ना कुछ हम वैसे ही थोड़ा। कांग्रेस से 40 साल का नाता भी इसी के चलते तोड़ा था। चौधरी साहब का पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से 36 का आंकड़ा रहा। चौधरी साहब बताते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, बाजी हुड्डा मार गए। बीरेंद्र सिंह ने हाथ का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन थामा, तो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्रालय मिल गया, लेकिन इच्छा तो अभी भी हरियाणा का मुखिया बनने की है। ये इच्छा अगर नहीं हो किसी की आगे बढ़ने की, तो फिर राजनीति में कोई काम ही नहीं करेगा। मैं तो कहता हूँ उठा लेना चाहिए, मैंने बना के दिखाओ करूँगा। अभी आरएसएस के प्रचारक रहे मनोहर लाल खट्टर करनाल से पहली बार विधायक बने और फिर सीधा मुख्यमंत्री बन गए। खट्टर साहब पर चुटकी लेते हुए चौधरी साहब बोले, उन्हें तो खुद भी पता नहीं था कि वो सीएम बन जाएंगे।
अरे खट्टर बहादुर सिंह आरएसएस में काम किया था तो अब इनको खुद नहीं पता होगा तो कभी अरे खट्टर बहादुर सिंह आरएसएस में काम किया था तो अब इनको खुद नहीं पता होगा तो कभी यानी जिन्हें पता नहीं था वो सीएम बन गए, लेकिन जिनकी इच्छा है वो अभी भी कुर्सी के इंतजार में हैं। बीरेंद्र सिंह का ये दर्द पुराना है, सपना हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का है। फिलहाल चौधरी साहब ने उम्मीद छोड़ी नहीं है, कहते भी हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। यमुनानगर से वीना अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन एक अनार सौ बीमार वाली कहावत भी है। और बीजेपी में तो पहले से ही अनिल विज साहब और रामविलास शर्मा, इनका नंबर नहीं आया तो ये तो बीजेपी में अभी अभी आए हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले, इनका नंबर कब आएगा ये बड़ा सवाल है। खैर, अब हिमाचल से है बड़ी खबर। यहाँ पर धर्मशाला में आज से शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। दोनों सियासी धुरंधरों के बीच जारी है जुबानी जंग सत्र से पहले ही, और शांतिपूर्ण सत्र को लेकर शिमला में सीएम वीरभद्र और विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल की बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक को लेकर भी कई सवाल हुए, और मुलाकात सत्र के दौरान जो है सीएम पर सीबीआई और ईडी की रेड, और इसके अलावा पूर्व सीएम के खिलाफ विजिलेंस जांच पर जो मामला है वो भी गरमाने के आसार हैं। तो हिमाचल विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, कुल 5 बैठकें। गुड मॉर्निंग जी जारी है, और अब देखिए तेज रफ्तार से 25 खबरें। कैप्टन अमरिंदर को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम बादल का बयान, बोले कैप्टन करते हैं टकराव की राजनीति, उन्होंने कभी नहीं की टकराव की राजनीति। 2017 पंजाब विधानसभा चुनावों पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनौती भरे बयान पर पंजाब सीएम के एडवाइजर एचएस बैंस ने कहा कि कैप्टन को पंजाब कांग्रेस का नेतृत्व हासिल करने में 4 साल लग गए। कैप्टन की चुनौती पर बैंस ने कहा कि उनके दावे के कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो अपने ही बयानों से पहले भी कई बार पलटते रहे हैं। जलंधर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, और इस दौरान पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष कमल शर्मा ने डायरेक्ट विद दिनेश में अकाली बीजेपी पर दिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर पलटवार किया। कहा कि 2017 के चुनावों में हमारे सामने कोई विपक्ष नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी मिशन 2017 में बेहतर परिणाम की उम्मीद, सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अकाली बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी को कम करके ना आंकें। हरियाणा विधानसभा का आज से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। महिला आईपीएस अधिकारी संगीता कालिया विवाद, धान खरीद जैसे मुद्दों पर खट्टर सरकार को घेरेगा विपक्ष, सवालों के जवाब देने के लिए सरकार तैयार। आज से धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र। मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर वीरभद्र सरकार को घेरेगा विपक्ष। सत्र में कुल 5 बैठकें। स्पीकर ने आज दोपहर 12 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक, सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की भी बैठक। हिमाचल के ई विधान सिस्टम को केंद्र ने भी किया पसंद, आने वाले दिनों में ई विधान प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर हो रहा विचार, धर्मशाला में विधानसभा स्पीकर ब्रिज बिहारी लाल बुटेल ने दी जानकारी। विधानसभा के सत्र से पहले बीजेपी करेगी अपनी रणनीति तैयार, शीतकालीन सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष धूमल की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोस्टर प्रणाली लागू किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पहले चरण के मतदान के बाद कोर्ट ने लगाई थी अगले चरण के चुनाव पर रोक, फैसले से पहले गरमाई सूबे की सियासत। फिर चलकर चौधरी वीरेंद्र सिंह का अब तक मुख्यमंत्री ना बन पाने का दर्द, अफसरशाही को लेकर भी प्रदेश सरकार पर ली चुकी। संसद में आज असहिष्णुता के मुद्दे पर जोरदार बहस हो सकती है। लोकसभा में विपक्ष ने देश में बढ़ती कथित असहिष्णुता और मंत्रियों के भड़काऊ बयानों को लेकर बहस का नोटिस दिया है। राज्यसभा में संविधान में अंबेडकर के योगदान पर चर्चा होगी। फतेहाबाद में हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज और आईपीएस संगीता कालिया के विवाद के बाद संगीता कालिया की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, पुलिस आरोपी का पता लगाने में जुटी है।
आईपीएस अधिकारी संगीता कालिया का तबादला होने के बाद फतेहाबाद के नए एसपी ओपी नरवाल ने चार्ज संभाल लिया है। ओपी नरवाल ने माना कि जिले में अवैध शराब और नशे की तस्करी बड़ी चुनौती है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज से विवाद के बाद संगीता कालिया की जो है ये बात सामने आई थी, उनको वहां से हटा दिया गया था। पर्यटन नगरी डलहौजी में बंदरों की लगातार हो रही मौतों का रहस्य गहराता जा रहा है। पिछले चार दिनों में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा बंदरों की मौत हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में पाइपलाइन से सुरंग बनाकर तेल चुराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को रिमांड पर भेज दिया गया। अंबाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 15 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना लोचन भट्टाचार्य है, जो इन दिनों काठमांडू से नोट सप्लाई करता था और इन लोगों को काठमांडू से नोट सप्लाई करता था और ये लोग भारत में आकर अलग अलग राज्यों में इन्हें सप्लाई करते थे। आमिर खान के असहिष्णुता वाले बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। होशियारपुर में आमिर खान के खिलाफ हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। जम्मू और कोलकाता में आईएसआई के लिए जासूसी रैकेट का भंडाफोड़। कोलकाता में आईएसआई के 3 एजेंट गिरफ्तार। जम्मू में बीएसएफ के 1 जवान समेत आईएसआई के 2 एजेंट पकड़े गए। पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। पेरिस में आज से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ दुनिया के नेताओं का कुंभ लगा है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अब तक की सबसे बड़ी समिट में हिस्सा लेने पीएम मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं। धर्मशाला में तिब्बतन कार्यकर्ताओं ने एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। इसका विषय पेरिस में होने वाली यूएन COP21 वार्ता के दौरान तिब्बत की जलवायु पर बातचीत के बारे में रखा गया और ये कार्रवाई जो है तिब्बत तीसरा ध्रुव अभियान का एक हिस्सा है। रूस ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया जिनमें दावा किया गया था कि रूसी नागरिकों के लिए यात्रा के लिहाज से सुरक्षित स्थानों की सूची से भारत को हटा दिया गया है। रूसी सूचना केंद्र ने कहा कि उनके पुराने बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में महिलाओं ने घरेलू हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एकजुटता दिखाई और महिलाओं को जागरूक करने के लिए इन्होंने स्कूटर पर जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में करीब 50 महिलाओं ने हिस्सा लिया। श्री आनंदपुर साहिब की दशमेश एकेडमी के 13 स्टूडेंट्स का चयन रांची में हो रही नेशनल स्कूल खेलों के लिए हुआ है और इस एथलेटिक्स के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। इस एकेडमी के चेयरमैन प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। चंडीगढ़ कार्निवल का आखिरी दिन काफी उत्साह भरा रहा और आखिरी दिन सैकड़ों लोग कार्निवल में पहुंचे, जमकर खरीदारी की। सुबह से ही कार्निवल में आना लोग शुरू हो गए थे और हर उम्र के लोगों ने यहां पर शॉपिंग की और रंग बिरंगे गुब्बारे, वन भावन लोक नृत्य और बच्चों को लुभाते झूले आकर्षण का केंद्र रहे। और जी मीडिया के पत्रकार शिवम की पहली भर्ती पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 के कम्युनिटी सेंटर में शिवम की याद में ये कैंप लगाया गया। इस दौरान शिवम को याद कर हर किसी की आंखें नम हो गई। और अब कुछ अन्य खबरें। आज से शुरू होने वाले हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और धर्मशाला पहुंचे सीएम वीरभद्र सिंह ने अपने खिलाफ विपक्ष के कैंपेन का शायराना अंदाज में जवाब दिया। हिमाचल की 12वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के ठिकानों पर हुई सीबीआई और ईडी की छापेमारी के बाद ये पहला सत्र है जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे। यही नहीं, इसी सत्र से बीजेपी कांग्रेस की सरकार को गिराने के मकसद से वीरभद्र हटाओ प्रदेश बचाओ अभियान भी शुरू करने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने विरोधियों को ये कहकर जवाब दिया है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किस चीज का भ्रष्टाचार आप पर जो आरोप लगाए हैं? मेरे पे कोई आरोप साबित हुआ? मामला जो है इनकम टैक्स में है, मामला जो सीबीआई में है और जगह है। अगर कोई दोषी पाया जाए तभी दोष होता है। कई लाख बुरा चाहे होता क्या है, होता वही है जो मंजूर है खुदा।
उधर पेपरलेस विधानसभा का प्रयोग बाकी के राज्यों में भी असर दिखा रहा है। विधानसभा स्पीकर ब्रिज बिहारी लाल बुटेल के मुताबिक देश की विभिन्न विधानसभाओं, विधानमंडलों के अध्यक्षों, सदस्यों और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को ई विधान प्रणाली की संपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए विधानसभा भवन में राष्ट्रीय ई विधान प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर विचार किया जा रहा है। इस विधानसभा को पायलट प्रोजेक्ट में बनाना चाहते हैं ताकि सारे कंट्री में यही टीम जो है हमारे वाली टीम वो ही विधान चालू करे और हम सोच रहे हैं कि विधान की प्रणाली जो है उसकी ट्रेनिंग के लिए धर्मशाला में हम एक ट्रेनिंग सेंटर भी आपको दे सकते हैं। कोई प्रपोजल थी इसके रेफरेंस मैंने दिया अभी। इस बार सदन में कुल 5 बैठकें होंगी। इसके अलावा इस सत्र में सदस्यों से 200 तारांकित और 81 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 90 तारांकित और 31 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन मिली हैं। श्री गोपालपुरी, जी मीडिया, धर्मशाला। पंचायत चुनाव में रोस्टर पर फैसला आज होगा। शिमला हाई कोर्ट में आज होगी फैसले पर सुनवाई। पहले चरण के मतदान के बाद कोर्ट ने लगाई है चुनाव पर रोक। पंचायत चुनाव में रोस्टर प्रणाली लागू करने पर सियासत गरमाई है सूबे की। विपक्ष का आरोप है कि चेहरों को बैकडोर एंट्री करवाना चाहती है सरकार। पंचायत चुनाव में रोस्टर पर आज फैसला हो सकता है हाई कोर्ट में। और पंचायत चुनाव में रोस्टर प्रणाली लागू करने पर सूबे की सियासत गरमाई है। विपक्ष का आरोप है चेहरों को बैकडोर एंट्री दिलाने के लिए सरकार ने ये सब कुछ किया। हिमाचल हाई कोर्ट ने प्रदेश में हो रहे पंचायती राज चुनावों की तारीख घोषित करने पर रोक लगा दी है। अब सरकार कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद ही चुनावों को लेकर कोई फैसला ले पाएगी, लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर सियासत जारी है। हिमाचल हाई कोर्ट के आदेशों के बाद पंचायत चुनाव संबंधी सारी औपचारिकताओं पर फिलहाल रोक लगी हुई है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई अब 30 नवंबर को होगी। इसके बाद ही पंचायत चुनावों की अगली दिशा तय हो सकेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले पर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। पंचायत रोस्टर को लेकर पहले दिन से ही सरकार पर सवाल उठाने वाली बीजेपी ने हाई कोर्ट में दायर उस याचिका का समर्थन किया है जिस पर 30 नवंबर को सुनवाई होनी है। 30 तारीख को उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय कोर्ट उसमें दे देगा और हमें विश्वास है कि 30 तारीख को जो कोर्ट की क्वेरीज हैं उसको सरकार पूरा करेगी। और क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को निश्चित समय के अंदर पूरा करना पड़ेगा क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है और चुनाव की डेट को आगे खींचा नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस को इसमें सियासत नजर आती है। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश चौहान के मुताबिक ये केस राजनीतिक कारणों के चलते दायर किया गया है, यानी साफ है उनके निशाने पर कहीं ना कहीं प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो सेकंड फेज का जो नोटिफिकेशन है वो 30 नवंबर तक रुक गया है। अब माननीय हाई कोर्ट जैसे ही 30 नवंबर को इसको केस को क्लियर करेंगे उसके बाद सेकंड फेज की नोटिफिकेशन होगी। लेकिन एक चीज़ इसमें साफ दिखती है कि जो लोग इसको कोर्ट में लेके गए हैं उसमें राजनीतिक मंशा दिखती है। बताया जा रहा है कि इस याचिका में रोस्टर प्रणाली के गलत होने और आरक्षण में भेदभाव जैसे आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा पंचायतों के पुनर्गठन संबंधी मामलों को भी चुनौती दी गई है। फिलहाल अब सबकी नजरें 30 नवंबर पर टिकी हुई हैं। सोमवार को होने वाली सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। बिलासपुर के घुमारवी में बस अड्डे की खस्ता हालत सुधारने के लिए सरकार ने कदम तो उठाए, लेकिन स्थानीय लोग अब भी परेशान हैं। लोगों की परेशानी आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये बिलासपुर जिले का घुमारवी बस अड्डा है। काफी वक्त तक बदहाल रहे बस अड्डे की शक्ल सुधारने के लिए सरकार ने कदम उठाया। ग्रांट भी जारी कर दी गई, पर ग्रांट अभी कम पड़ती नजर आने लगी है, जिस वजह से बस अड्डे की मरम्मत का काम अधर में लटकता नजर आ रहा है। मरम्मत का काम चालू होने से बस अड्डे में बसों का आना जाना बंद है। वहीं बसों के प्रवेश पर रोक के चलते सवारियां बस स्टैंड के बाहर से ही बस में बैठ जाती हैं, तो घुमारवी चौक के पास अक्सर जाम की स्थिति से स्थानीय लोगों को जूझना पड़ता है। और इस सब का सीधा असर उन दुकानदारों पर पड़ रहा है जिनकी बस स्टैंड के अंदर दुकानें हैं। देखिए, जितना जो काम था 2-3 महीने का काम था सारा, अब 5 महीने हो गए, अभी तक आधा काम हुआ है। जबकि उन्होंने 6 महीने पहले बोला अभी 6 महीने तक काम करेंगे, तो उसमें जितने भी सारे दुकानदार हैं उनको भी टेंशन है क्यों सारा कारोबार ठप है। यातायात समस्या, बाहर गाड़ियों को
जाम लग रहा है और सारा बस स्टैंड ये कार्य 2 महीने का कार्य है सारा, जिसके लिए कम मतलब 6 महीने हो गया अब तक। सर 6 महीने हो गए काम को, बड़ी कछुआ गति से काम चला है और बहुत बुरा हाल है दुकानदारों का। उधर स्थानीय विधायक का दावा है कि बस स्टैंड में शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मरम्मत का काम मुकम्मल करने के लिए प्रदेश सरकार से 25 लाख रुपए की और मांग की गई है, जिसके बाद जल्द मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। इतने पैसे कम पड़े हैं और उन्हें 25 लाख और मांगे हैं, उम्मीद है कि वो पूरा जो है पैसा सरकार स्वीकृत करेगी और बेहतर ढंग से जो है इस बस अड्डे का ना सिर्फ मरम्मत और सुधार के कार्य किए जाएंगे। ग्रांट के स्वीकार होने और मरम्मत शुरू होने से लेकर अब तक तकरीबन 6 महीने का वक्त बीत चुका है। ऐसे में आम लोगों को 6 महीने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को पूरा कराए ताकि लोगों को सुविधा हो सके। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको लापरवाही की एक और तस्वीर दिखाते हैं। जजैली के सामुदायिक चिकित्सा भवन का निर्माण हो चुका है लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ, जिसकी वजह से जजैली के लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लगभग 3.5 करोड़ की लागत से बना जंजैली का सामुदायिक चिकित्सा भवन लगभग 2 महीने पहले बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ये सामुदायिक केंद्र जनता के लिए कब खुलेगा, कब जंजैली की जनता को इसका लाभ मिलेगा, इसका इंतजार पिछले 2 महीनों से हो रहा है। दरअसल 12 जून 2008 को इसके निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। इसके भवन की आधारशिला पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने रखी थी। 8 साल बाद इस सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है तो हमारी सरकार से मांग है कि इसे लोगों को समर्पित किया जाए ताकि इस क्षेत्र की 17-18 पंचायतों को सुविधा मिल सके। आज जब इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तो उसी तरह से आज ये उद्घाटन के लिए तरस रहा है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मांग करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से कि समय रहते इसका उद्घाटन किया जाए, तो इसलिए जरूरी है कि लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस भवन के उद्घाटन में हो रही देरी की असल वजह सियासी फायदा लेना है। प्रदेश की दोनों बड़ी सियासी पार्टियां चाहती हैं कि उद्घाटन पट्टिका पर सामुदायिक केंद्र के बाहर उनकी पार्टी के नेता का नाम लिखा जाए ताकि आगे चलकर विधानसभा चुनावों में इसका सियासी फायदा मिल सके। उस दृष्टि से बजट का प्रावधान करके लगभग 3.5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करके जो हमने सीएससी का जो जंजैली में मुख्यमंत्री जी के हाथों शिलान्यास किया था, ये यहाँ के लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता उनकी प्राथमिकता ना हो करके कि इस सीएससी के उद्घाटन करने के लिए कौन नेता आए। कुछ लोग मुख्यमंत्री के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य मंत्री के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब लगभग ये काम हमने पिछली बात की थी कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सीएससी की बिल्डिंग है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग है, ये लगभग तैयार है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया है और व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात हुई है और उन्होंने इस बात को सहमति भी दी है कि मैं इनका उद्घाटन करूंगा। इस सामुदायिक भवन पर 18 पंचायतों के लगभग 60,000 से ज्यादा लोग आश्रित हैं, लेकिन नेताओं ने अपने फायदे के चक्कर में लोगों को परेशानी में डाल दिया है। आपात स्थिति में लोगों को जंजैली से 100 किलोमीटर दूर मंडी के अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि कब हमारे नेता सियासत छोड़कर लोगों की समस्याओं को समझेंगे। हेमराज कौशल, जी मीडिया, जंजैली।